पहले काम नहीं करते फिर राम का सहारा लेते हैं। टीआरएस लोकसभा चुनावों संबंधी तेलंगाना के निजामाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधन के दौरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की लोकसभा मेंबर के कविता ने कहा है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इन दोनों पार्टियों ने 70 वर्षों में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि जो काम नहीं करते हैं वे राम का सहारा लेते हैं। आज के तारीख में नेशनल पार्टी कहलाने वाले जितने भी पार्टी से हमने इन दोनों पार्टियों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी होने दीजिए बीजेपी पार्टी होने दीजिए, दोनों को हमने 70 साल का मौका दिया है, लेकिन इन 70 सालों में उन्होंने बुनियादी मसले वहां का वहीं छोड़ दिया है। तो इसीलिए आज भी किसी गांव में आप जाएंगे तो रोटी का, कपड़ा का, मकान का, साफ सुथरे पानी का, बिजली का आज भी पूरे देश भर में बातें चलते हैं। और कितने साल ये बातें सुनने पड़ेंगे ये हमें सोचना चाहिए। आज इस मुल्क को अगर किसी का जरूरत है तो आवाम की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले सियासतदानों का जरूरत है। आज इस मुल्क को किसी का जरूरत है तो बातें बनाने वाले नहीं बल्कि मैदान में उतर के काम करने वाले सियासतदानों का जरूरत है। आज इस मुल्क को एक मजबूत रीजनल पार्टीज की जरूरत है, क्योंकि मुल्क के हुक्मरानी में रीजनल पार्टीज का जब हिस्सा बढ़ेगा तो सारे स्टेट्स को उसका फायदा पहुंचेगा। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों भी जितने हमने उनको मौके दिए हैं, दोनों भी उस मौकों को इस्तेमाल नहीं किया। और 5 साल ये दोनों पार्टियां काम नहीं करती है, 5 साल ये पार्टी काम नहीं करती है, इसीलिए इलेक्शन में राम का नाम लेते हैं। जो काम नहीं करता है वो राम का सहारा लेता है। ऐसे पार्टियों को आज हमारे रियासत से बर्खास्त करने का वक्त आ गया है। टीआरएस पार्टी के साथ खड़े होके इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप सारे टीआरएस पार्टी के कायदों को जिताए, ऐसा मेरा आपसे गुजारिश है।